देखिएगा दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। प्रश्न है, मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसके किसने किया था। मुख से लिए जाने यानी कि जो ड्रॉप होता है ना, पोलियो ड्रॉप, ठीक है, उस वैक्सीन का विकास किसने किया था, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोनास साल्क ने, ठीक है। जो पोलियो ड्रॉप होता है ना, मुख से लिया जाता है, पहले क्या होता था दोस्तों, उसका टीका लगता था, ठीक है, अब क्या हो गया, ड्रॉप पिलाई जाती है, और भारत अब मुक्त भी हो रहा है पोलियो से, ठीक है। तो ये दोस्तों जो पोलियो का वैक्सीन होता है, मुख से लिया जाता है, यानी कि जो ड्रॉप होता है, उसका विकास किसने किया था, तो जोनास साल्क ने, ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से, ठीक है। प्रश्न है, WLAN यानी कि WLAN की WLAN जो होता है का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो WLAN होता है ना, WLAN यानी WLAN जो होता है, उसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 तो हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता वह थे, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, तो दोस्तों उनका नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ए, अभिनव बिंद्रा। किसके लिए दोस्तों, तीरंदाजी के लिए जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न, प्रश्न है, हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं, घर्षण, गुरुत्व, घूर्णन, गुरुत्व और घूर्णन के संयोजन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती, पूछ रहा है नहीं फैलती कह रहा है, मलेरिया दोस्तों किसके द्वारा फैलता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है, डेंगू किसके द्वारा, मच्छरों के द्वारा फैलता है, फाइलेरिया मच्छरों के द्वारा, और नहीं कौन सी फैलती, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती, तो इससे नहीं फैलती, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डट 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 में दिए गए हैं, मौलिक अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है दोस्तों, संविधान के भाग थर्ड में, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। 12 सदस्यों को राज्यपाल, देखिए 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, प्रश्न है, आकाश का तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है, किसके कारण दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन दिखाई देता है, क्या होता है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन दिखाई देता है, इसी के कारण क्या होता है, आकाश का तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है, और प्रधानमंत्री, चुनाव आयुक्त, ये सब नहीं, राज्यपाल, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला है प्रश्न है, और 23 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है और जो पुराने स्टूडेंट है, सभी को मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपकी मैथ वीक है, मैथ बेसिक से, जीरो लेवल से, और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक चैनल बनाया हूं, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों, आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, कुछ दिनों में मैथ की दोस्तों वहां पर सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है, तो उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिएगा दोस्तों 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी यानी कि एक्सियल बोन नहीं है, कौन सी एक्सियल बोन नहीं है, कपाल है, ठीक है, मेरुदंड है,
कंधा नहीं है, पसली है, ठीक है। तो अच्छी या हड्डी पूछा जाता है नहीं है, यानी एक्सियल बोन पूछा जाता है नहीं है, तो कंधा दोस्तों क्या है, एक्सियल बोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिएगा, WWW जो 3 W होता है ना, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीम बर्नर्स ली द्वारा दोस्तों WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 25वां क्वेश्चन। और दोस्तों बता दो, आपको इन सब प्रश्नों को पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों मैं समय समय पर सारे वीडियो की दोस्तों लिंक भी देता रहता हूं, और वीडियो जितने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ भी आपको वहां से मिलती रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी होते हैं उसको मैं पीडीएफ के रूप में वहां पर प्रोवाइड करता रहता हूं, तो टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिएगा, प्रश्न है सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन आपके सामने, और आपको कमेंट करके इसका आंसर आपको जरूर बताना है, और इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कॉपरनिकस, सौर प्रणाली का आविष्कार कॉपरनिकस ने किया था। तो दोस्तों ये रहे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर एक बार जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, वहां पे आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा, दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, प्रेस करके उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों ये ऑन रहेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।